अज्ञानता खतरनाक है, लेकिन अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान से ज्यादा भयानक शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है। और इसी अधूरे ज्ञान की एक सबसे बड़ी छवि मुझे आज एक YouTube वीडियो में देखने को मिली। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है। इस राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में आप सब पढ़ रहे हैं, आपको इसकी प्रोसेस पता है, लेकिन यहीं पर ना एक अजीब चीज़ वायरल हो रही है। और आज जब मैं अपने YouTube को स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देखने के बाद लगा कि भाई मतलब क्या है यार, बनाने वाला तो गलत है लेकिन इस वीडियो को देखने वाले लोग उससे ज़्यादा गलत, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद लाइक करने वाले और उनसे भी महान इस वीडियो के ऊपर बहुत ही सकारात्मक कमेंट करने वाले। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ। अब इसको लेकर के आप जानते हैं कौन सा मुद्दा न्यूज़ में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे देश की सकारात्मक न्यूज़ में किसी चैनल पर यह नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना सोशल मीडिया, वहां पर यह चीज बड़ी देखी जा रही है। आप देखो जरा, यहाँ पे एक वीडियो है, राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम का खेल। इसके टाइटल से मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, अगर आप भाई ठीक है थंबनेल पे आपने कुछ भी लिखा, आप वीडियो के अंदर जरा अच्छे से समझा देते। अब यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ था वीडियो के ओनर का, मुझे वो हाइड करना पड़ा। मैं अभी आपको कमेंट्स दिखाऊंगी, जिन्होंने कमेंट किए हैं उनका नाम हाइड करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं ये सब मजबूरी है। लेकिन मैं इस वीडियो के बारे में भी आपको नहीं बताती तो शायद एक भारतीय नागरिक और एक अच्छी शिक्षिका होने के नाते मैं अपनी नज़रों में गिर जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को लगभग 4,47,000 लोगों ने एक दिन में देखा, 18,000 लोगों ने इसे लाइक किया और इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट भी किया। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत ये बताया गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आखिर बैलेट पेपर से क्यों होता है, जबकि हम लोग जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करते हैं, हम आम जनता जिसमें वोट डालते हैं, वो ईवीएम मशीन से क्यों होता है। हे भगवान, बहुत बहुत जटिल प्रश्न है ये तो। भाई सीधा सा जवाब है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे आप जो कैंडिडेट हैं उनको अपना प्रेफरेंस देते हैं, जिसको लीस्ट प्रेफरेंस मिला फिर उसके जो वोट हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, ये लोकसभा और विधानसभा में नहीं होती, इसीलिए वहां पर ईवीएम का यूज किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से हम ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें थोड़ा भी नॉलेज हो। अब आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि ईवीएम का यूज किया जाता है ताकि चुनाव में धांधली हो, और राष्ट्रपति चुनाव में कोई गलत चीज ना हो, कोई धांधली ना हो, इसलिए बैलेट पेपर का यूज करते हैं। मतलब वाह। और आप इसके कमेंट देखिए, बिल्कुल सही पकड़े हैं, वोटिंग की दोहरी व्यवस्था क्यों, इस चालबाजी को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वाह, प्लीज प्रोटेक्ट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, एंड वोटिंग शुड बी टेकन बाय बैलेट पेपर नॉट बाय ईवीएम मशीन। इस वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लो। भैया तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन का सी मालूम है, संविधान का सा मालूम है? हे भगवान, बिल्कुल सत्य कहा, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैन ईवीएम वंस फॉर ऑल टू सेव डेमोक्रेसी थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अबेंडन ईवीएम, सेव इंडिया। इतनी भारी अंग्रेजी, लेकिन संविधान का नॉलेज शून्य। हे भगवान, ऐसे बहुत सारे कमेंट थे दोस्तों, मैंने सबका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से, क्या यार, अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि राष्ट्रपति का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, मैं कुछ नहीं कह रही भाई, नहीं पता। अब नहीं पता तो ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो, और वीडियो बना रहे हो उसको फिर लोग देख रहे हैं, लोग देख के लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। अब हमारे देश को आप जैसा युवा ही बचा सकता है, बचा लो।